बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने के लिए कोई भी पैतरा खाली नहीं छोड़ा है। हमारे ऑफिसर्स की डेथ हुई, हमारे वीर सैनिक मारे गए, हमारे पुलिस के अधिकारी मारे गए जम्मू कश्मीर में, लेकिन नरेंद्र मोदी के मुंह से 2019 के बाद एक भी श्रद्धांजलि, एक भी संवेदना का शब्द नहीं निकला। करप्शन झेला इन 10 सालों में, आपने बेरोजगारी झेली इन 10 सालों में, आपने महिला असुरक्षा झेली इन 10 सालों में, आपने महंगी बिजली, महंगा पानी, बिजली की कटौती, बहुत सारी चीजें झेली। जम्मू कश्मीर का अनएम्प्लॉयमेंट बाकी देश के एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट का डबल है। वो स्मार्ट मीटर जो साहब गुजरात में नहीं लगा पाए, लेकिन वो जम्मू और कश्मीर में लगाए जाएंगे। क्यों लगाए जाएंगे? 2024 में हम विश्व गुरु बनेंगे, हम वॉर रुकवाएंगे, लेकिन हम अपने ही देश के 4,400 गवर्नमेंट स्कूल बंद करेंगे। 10 साल बाद ये मौका आया है कि जम्मू कश्मीर अपनी खुद की सरकार चुनेगा। 10 साल बाद ये मौका आया है कि जम्मू कश्मीर अपनी खुद की सरकार चुनेगा। 10 साल बाद ये मौका आया है कि करीब 2 करोड़ लोग अपनी खुद की सरकार चुनेंगे, अपने वोट के उस अधिकार को यूज करेंगे जो बाकी देश करता आ रहा है। इन 10 सालों में आपने बहुत कुछ झेला है, इन 10 सालों में आपने करप्शन झेला, इन 10 सालों में आपने बेरोजगारी झेली, इन 10 सालों में आपने महिला असुरक्षा झेली, इन 10 सालों में आपने महंगी बिजली, महंगा पानी, बिजली की कटौती, बहुत सारी चीजें झेली। और सबसे पहले तो सलाम है आप सब लोगों को, क्योंकि ये झेल कर और उसके बाद भी खड़े रहना आसान नहीं होता है। 10 सालों में इनकी जो असलियत आपके सामने बयां होनी चाहिए उस पर चर्चा करूंगी पॉइंट वाइज। सबसे पहले तो पिछले 10 सालों में सारा रूल जो है वो बीजेपी का रहा है। 5 साल सरकार, एलजी का रूल, और एक ऐसे व्यक्ति को आपके सर पे लाके बिठा दिया जिसने आपके हक, आपके रिसोर्सेस, आपकी चीजों को बाहरियों को दिया। द रियलिटी इज दैट द रैम्पेंट करप्शन दैट जम्मू एंड कश्मीर हैज सीन अंडर द प्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर इज अ ब्लॉट फॉर एनी डेमोक्रेसी। और मुझे ऐसा लगता है कि अब जब हम चुनाव के मुहाने पर आकर खड़े हैं तो जरूर लोग उसका हिसाब करेंगे, जरूर लोग उस पर सवाल पूछेंगे, और मैं सिलसिलेवार तरीके से कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहती हूं। पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में हर चीज का दाम बढ़ा है, बाकी देश में भी बढ़ा है, लेकिन आपके लिए वो दिक्कतें और ज्यादा हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस देश में दूसरे नंबर पर आपकी बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी और महंगाई का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बड़ा लीथल होता है। पानी की किल्लत, महंगी बिजली, 65% ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स आर लाइंग वेकेंट एंड देयर इज नो प्लान टू फिल दीज गवर्नमेंट जॉब्स। बेरोजगारी सबको पता है, और उसके बाद 65% गवर्नमेंट जॉब्स खाली क्यों है, इसका जवाब तो सिर्फ एलजी और उनके दिल्ली में बैठे हुए आका दे सकते हैं। क्या चीजें सुधर गई उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बड़े बड़े दावे किए गए थे शांति के, अमन के, चैन के, यह अलग बात है कि जब 2024 का चुनाव आया तो जो शांति, अमन, चैन के बारे में अपनी ही डींगे हांकते थे वो ना श्रीनगर लड़ने लायक थे, ना अनंतनाग रजौरी लड़ने लायक थे, ना बारामूला लड़ने लायक थे, तो वो सब रण छोड़ के भाग गए। द रियलिटी इज दैट ऑल ऑफ दीज पीपल who was speaking about peace in the valley and in Jammu, they did not have the face to contest an election in Anantnag, Rajouri or Srinagar or Baramula for that matter. The reality is that Jammu and Kashmir has reeled under high prices, rampant unemployment, rampant corruption, water shortage, very, very high electricity cost, huge electricity cuts. Even the private sector, if you look at the job creation by the private sector, and the value addition, it is lower than levels of 2019. 2019 mein private sector yahan par nivesh zyada kar raha tha aur value addition zyada kar raha tha. Aaj 65% sarkari naukriyan bhi khali hai
और प्राइवेट सेक्टर का निवेश और प्राइवेट सेक्टर का वैल्यू एडिशन भी निरंतर गिरता गया, आज 2019 के लेवल से नीचे है। जम्मू कश्मीर का अनएम्प्लॉयमेंट बाकी देश के एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट का डबल है। द अनएम्प्लॉयमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर इज ट्वाइस दैट ऑफ द नेशनल एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट। The unemployment in the age group of 15 to 29 years, आप में से यहाँ पर बहुत सारे युवा साथी हैं और आप जानते हैं कि 15 से 29 साल में जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो भयावह होता है, वो 30% के आसपास है। महिलाओं का अनएम्प्लॉयमेंट, आई सी सम वुमेन सिटिंग हियर, देयर आर टू ऑफ अस हियर ऑन द स्टेज, फॉरगेट अबाउट 28.6% इन फॉर यूथ, 48.6% ऑलमोस्ट 50% unemployment for young women who should be with jobs. 65% government पद जो मैंने आपको कहा वो खाली पड़े हुए हैं। 60,000 daily wage earners आज भी 15 साल से 300 रुपए दिन का कमा रहे हैं और वो public health department में, engineering में है, वो power development में है, वो crucial चीजों में है और ये संविदा contract की उनकी नौकरी चलती जा रही है। जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल में करीब करीब 12,000 डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स दिए गए और ये 12,000 डोमिसाइल सर्टिफिकेट देकर आपकी जो अपॉर्चुनिटीज थी वो किसी और को दे दी गई। जो नौकरी, जो कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिलने चाहिए थे, यहां के लोगों को मिलने चाहिए थे, ये इंश्योर किया गया कि वो किसी और को मिले। ये 12,000 लोग जिनको होम डोमिसाइल यहां की दी गई वो कौन लोग हैं? करप्शन की बात करते हैं क्योंकि करप्शन की बात करनी जरूरी है। जैसा कि मैंने कहा, माइनिंग, लिकर, कंस्ट्रक्शन, और करप्शन के चार्जेस हमने नहीं लगाए हैं, करप्शन के चार्जेस यहां के पूर्व गवर्नर जिनको इन्होंने अपॉइंट किया था बीजेपी ने, सत्यपाल मलिक ने करप्शन के चार्जेस लगाए और करप्शन के चार्जेस लगाने का उनको इनाम यह मिला कि उनके घर पर आज भी रेड होती है। यही नहीं, अशोक कुमार पमार जो रिटायर्ड आईएएस है, उन्होंने करप्शन के रैम्पेंट चार्जेस लगाए रिक्रूटमेंट स्कैम्स में, जल जीवन मिशन में, और उनके ऊपर भी रेड होती है और उन्होंने तो सीबीआई इंक्वायरी की भी मांग करी थी जो अभी तक नहीं हुई है। अब मैं बात करना चाहती हूं महंगाई की। यह सच है कि 2014 में जब हमारी सरकार का हमने डेबिट किया ऑफिस सेंट्रली, तो सिलेंडर आपको 400 पे मिलता था, आज एलपीजी गैस का सिलेंडर आपको 950 से 1000 रुपए पे मिलता है। ये सच है कि जो पेट्रोल आपको 71 रुपीस पे मिलता था उसकी भी सेंचुरी लगा दी मोदी साहब ने, जो डीजल आपको 55 में मिलता था वो 90 के आसपास है, सरसों का तेल, मोदी जी से अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करो तो बड़े उससे कहते हैं, पकौड़ा तलना भी एम्प्लॉयमेंट है। एलपीजी महंगी कर दी आपने, सरसों का तेल 90 पर था 220 पर ले आए, और यह भी सच है कि आपने आटे दही पर भी जीएसटी लगा दिया। ये असलियत है और जिस महंगाई से ये पूरा देश गुजर रहा है उस महंगाई से जम्मू कश्मीर भी अछूता नहीं रहा है। यहां पर जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसके बारे में चर्चा करनी जरूरी है। 2021 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एक बड़े ताम झाम ताशे बाशे विद अ लॉट ऑफ पब्लिसिटी ब्लिट्ज़क्रीग, देयर वाज अ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी दैट वाज रोल्ड आउट इन 2021। द रियलिटी ऑफ दैट न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज that only 3% of investments have materialized on the ground and 40% of the projects under PM's development package of 2015 remain absolutely unreal. They have been pending for almost 10 years now. ये मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी क्योंकि यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बड़ी बड़े गप हाँके जाते हैं, टीवी डिबेट, डल लेक के किनारे, वहां पे कोई जाएगा ऐसी बातें बताएगा, सबको नौकरी है, सबके पास पैसा है, अमन चैन है, कोई दिक्कत ही नहीं है जम्मू कश्मीर में, पैसे में लोग डूबे हुए हैं, समझ ही नहीं आ रहा अपने पैसे का क्या करें। लेकिन असलियत यह है कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के चलते ओनली 3% इन्वेस्टमेंट 3% हुआ है और जो प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज था 2015 का उसके 40% प्रोजेक्ट आज भी पेंडिंग है और मैं 10 साल बाद की बात कर रही हूं, यह रिपोर्ट कार्ड 10 साल का है। बात हमें जरूर करनी पड़ेगी उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की। ये एक ऐसा मुद्दा है जो सबको जरूर छूता है और जब मैं टीवी पर देख रही थी डल लेक के किनारे बड़ा सा सीरीन सेट लगा हुआ है, साहब साहबजादिया आके बोल रहे हैं वहां पर, लोगों को नेशन वांट्स टू नो को बताया जा रहा है क्या क्या हो रहा है, तो मुझे लगा था बड़ा कमाल होगा।
असलियत यह है कि जम्मू कश्मीर ने इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज कभी नहीं देखी है। मैं कश्मीर वैली से शुरू करूंगी। कश्मीर वैली में इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन जो है वो महज 50 से 100 मेगावाट का हो रहा है, जबकि डिमांड 1800 मेगावाट की है, और उसके चलते करीब करीब 70 लाख लोगों की जिंदगी पर, उनके कामकाज पर, उनकी प्रोडक्टिविटी पर इसका असर पड़ रहा है। असलियत यह है कि 12-12, 16-16 घंटे के पावर कट सामने देखे हैं। यहां पर जम्मू में जो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसने भ्रष्टाचार का एक नया आयाम रच दिया है। अब एक नई चीज यहां लाई जा रही है। आपकी कमर अभी सिर्फ जीएसटी आटा दही पर लगाकर नहीं तोड़ी गई है, आपकी एलपीजी लगा के नहीं तोड़ी गई है कमर, अब आपको स्मार्ट मीटर भी झेलने पड़ेंगे। वो स्मार्ट मीटर जो साहब गुजरात में नहीं लगा पाए, लेकिन वो जम्मू और कश्मीर में लगाए जाएंगे। क्यों लगाए जाएंगे? और कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है। ये कुछ नहीं है, ये महंगी बिजली, प्राइवेट बिजली को आपको देने का साधन है। ये इसलिए किया जा रहा है जिससे आपकी जेब पर और डाका डाला जा सके। पहले पेट्रोल, डीजल, एलपीजी महंगी करी गई, और अब बिजली भी आपको मुहैया नहीं कराई जाएगी। द रियलिटी इज दैट द जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हैज एंश्योर्ड दैट स्मार्ट मीटर्स विल बी इंस्टॉल्ड एंड दे विल एंश्योर दैट दे विल बी वेरी एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी दैट विल बी जनरेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। मैं थोड़ी सी बात यहां पर किसानों की अगर नहीं करूंगी तो बात अधूरी रह जाएगी, और वो बात करनी जरूरी है। असलियत यह है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में जो नई दिल्ली के एलजी हैं, जो लाकर यहां पर इसलिए बिठाए गए हैं जिससे आपके हक का हनन हो, सो दैट योर राइट्स आर ट्रैम्पल्ड ओवर, सो दैट योर राइट्स आर टेकन अवे एंड गिवन टू आउटसाइडर्स, दैट वेरी एलजी हैज रिक्लेम्ड लैंड दैट वाज कल्टिवेटेड फॉर इयर्स बाय फार्मर्स। इस तरह की पॉलिसीज बनाई गई कि जहां पर 50-50, 60-60 साल से होटल्स और दुकानें चल रही थी, उनकी लीज को रिन्यू कराया जा रहा है। ये क्यों कराया जा रहा है? जिससे कि बाहरियों को आपका हक दिया जा सके। फार्मर्स की लैंड को लिया गया, द रिपील ऑफ लॉज, और ये जो लॉज रिपील हुए हैं उसके चलते लोगों की लैंड का, लोगों की जो अमानत है, लोगों के जो रिसोर्सेज है, उस पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। The alienation of the repeal of laws such as alienation of the Land Act and Big Landed Estates Abolition Act has resulted in displacement of local farmers. जो किसान आज परेशान है वो इसलिए परेशान है क्योंकि जो लॉज उसको प्रोटेक्ट करते थे, उसको रिंग फेंस करते थे, उसकी सुरक्षा करते थे, वो लॉज ही इस सरकार ने, वो लॉज ही इस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने जो नई दिल्ली के इशारे पर चलता है उसको हटा दिया गया। मैंने यहां पर कॉन्ट्रैक्ट्स की बात पहले करी है तो उसको जरूर थोड़ा सा छूना चाहूंगी। मैंने बोला था माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट हो, मिनरल्स का कॉन्ट्रैक्ट हो, लिकर हो, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हो, ज्यादातर ग्रेवल वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हो, ये ज्यादातर बाहरियों को मिल रहे हैं। एक फिगर आपके सामने दे देती हूं, 450 मिनरल ब्लॉक्स ऑक्शन हुए और इसमें से 200 ब्लॉक उन फॉर्म्स को दिए गए जो इस रीजन से ही नहीं है। ऑलमोस्ट हाफ द ब्लॉक्स वर गिवन अवे टू पीपल who are not from this region. I now want to talk about health, because ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं कई बार दिल्ली के एम्स जाती हूँ या प्राइवेट हॉस्पिटल्स जाती हूँ, मुझे बहुत से लोग जम्मू कश्मीर से मिलते हैं, और मैं कई बार सोचती हूँ कि जम्मू कश्मीर का तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का था, एजुकेशन का था, लिटरेसी रेट था, वो बाकी देश के नेशनल एवरेज से बेटर था। आज ये तादाद क्यों बढ़ रही है लोगों की आने की? और उसका कारण यह है कि जो नीति आयोग की रिपोर्ट है, ये मेरे फिगर नहीं है, ये इसी सरकार, दिल्ली सरकार, बीजेपी की नीति आयोग के फिगर्स हैं, 17 बेड अवेलेबल हैं आज पर लाख पीपल के लिए। ये हिंदुस्तान में वन ऑफ द लोवेस्ट रेशियोज है, 0.32 स्टाफ और नर्सेज अवेलेबल हैं। असलियत यह है कि 19% ऑफ चिल्ड्रेन आर वेस्टेड। असलियत यह है कि prevalence of anemia in women is one of the highest in the country as far as Jammu and Kashmir is concerned. Between the age group of 15 to 49, 50% women anemic है, खून की कमी है, और ये poor health infrastructure, poor health resources का एक सबसे बड़ा प्रमाण है। For every 1 lakh population in the region, you have 17 hospital beds that are available. It's a shame, it's a blot on what the BJP has done to the beautiful state of Jammu and Kashmir, which has now been reduced to a union territory, and I will just speak about this. The crime against women and children have gone up unabated,
In the 5 years, women crime has increased by almost 160%. Crime against women, according to the NCRB, has gone up by 15%, the serious crime. और इसके अलावा एजुकेशन की अगर बात कर ले, और ये मैं अंतिम बात कह के अपनी बात खत्म करती हूँ, एजुकेशन में करीब करीब 4,400 गवर्नमेंट स्कूल्स जम्मू कश्मीर में बंद कर दिए गए। 2024 में हम विश्वगुरु बनेंगे, हम वॉर रुकवाएंगे, लेकिन हम अपने ही देश के 4,400 गवर्नमेंट स्कूल बंद करेंगे। असलियत यह है कि एनरोलमेंट लगातार घटा है यहां पर। असलियत यह भी है कि नंबर ऑफ टीचर्स जो 1,04,184 होते थे वो घटकर करीब 98,000 रह गए हैं अब। असलियत यह है कि स्किलिंग सेंटर्स नहीं है यहां पर, और इन सब चीजों के चलते जम्मू कश्मीर को बुरी तरह से पिछाड़ा गया है। और इसी के चलते वेदर इट्स द अब्यूज ऑफ ड्रग्स और वेदर इट इज द मेंटल हेल्थ क्राइसिस इन जम्मू एंड कश्मीर, इट हैज गॉन अप अनअबैशडली। मेंटल हेल्थ इज अ क्राइसिस ऑल ओवर द वर्ल्ड इन आर कंट्री, लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस तरह से डर का, एलियनेशन का, जिस तरह से एक अलगाववाद का माहौल बनाया गया, और जिस तरह से अशांति को पे कंट्रोल नहीं हुआ, उसमें बहुत कुछ हुआ है। मैं दो बातें यहां पर कहना चाहती हूं उससे पहले कि मैं अपने प्रॉमिसेस की बात करूं। बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई थी। कहा गया था कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में सब शांति बहाल हो जाएगी। सरकार को बने 98 दिन हुए हैं, 98 डेज सिंस मिस्टर मोदी वाज स्वॉन इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। मैं 98 दिन की बात करती हूं, मैं 2019 की बात ही नहीं करती हूं, मैं 2014 से बात ही नहीं करती हूं, मैं उन 225 सैनिकों की बात ही नहीं करूंगी जो शहीद हो गए और आप शांति का झुंझुना बजाते रहे। इन द लास्ट 98 डेज दे हैव बीन 25 टेरर स्ट्राइक्स इन द वैली एंड इन जम्मू। 25 आतंकी हमले हुए हैं जिसमें 21 हमारे जांबाज शहीद हुए हैं, 28 हमारे सैनिक घायल हुए हैं। और यही नहीं, जम्मू कश्मीर के 15 नागरिक की इन आतंकी हमलों में मौत हुई है और 47 से ज्यादा घायल हुए हैं। इसका जवाब कौन देगा? और अब हमले, पहले कहा जाता था जम्मू जो था वो शांत हो गया था, वहां पे इंसर्जेंसी खत्म हो गई थी, मिलिटेंसी खत्म हो गई थी। आज फिर से जम्मू के डोडा में, जम्मू के रायसी में, जम्मू के इलाकों में फिर से हमले हो रहे हैं। मैं श्रद्धांजलि देना चाहती हूं उन दो वीर सैनिकों की जिनकी कल शाम को आतंकी हमले में हत्या हुई, वो शहीद हुए। और यहां पर इसकी बारे में कोई बात नहीं करता है। और मेरा अपना मानना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटी छोटी बातों पे ट्वीट करते हैं, दुनिया का मैप लेकर बैठते हैं और कहते हैं ये देश आज मैंने डिस्कवर किया है, अब मैनू यहां जाना है, ये असलियत है। छोटे छोटे देश डिस्कवर करेंगे, पता नहीं किसको किसको हैप्पी बर्थडे बोलेंगे, लेकिन 2019 से नरेंद्र मोदी ने कोई भी श्रद्धांजलि का मैसेज, कोई भी संवेदना का मैसेज देना बंद कर दिया है। हमारे ऑफिसर्स की डेथ हुई, हमारे वीर सैनिक मारे गए, हमारे पुलिस के अधिकारी मारे गए जम्मू कश्मीर में, लेकिन नरेंद्र मोदी के मुंह से 2019 के बाद एक भी श्रद्धांजलि, एक भी संवेदना का शब्द नहीं निकला। अगर आपको यकीन ना हो तो ये 25 आतंकी हमले की जो मैंने बात करी है वो उठाइए और नरेंद्र मोदी का मीडिया और उनका सोशल मीडिया देखिए, और देखिए कि क्या उन्होंने एक भी हमले का संज्ञान तक लिया है। The least you can do is pay homage for the supreme sacrifice that our forces, our police forces are making in Jammu and Kashmir. But you have chosen not to do that because you want to tell the world that everything is all right in Jammu and Kashmir. No, it is not. It is not all right because militancy that had completely evaporated and vanished in Jammu is back with a vengeance. And what are you doing? Ye aapki vifalta hai. मैं देखती हूं यहां अमित शाह आते हैं, बड़ी बड़ी बातें हांकते हैं, फलाने को मैं ये कर दूंगा, ढिमकाने को मैं ये कर दूंगा। मैं उनसे पूछना चाहती हूं, क्या किया आपने जम्मू कश्मीर में पिछले 10 सालों में? जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले आपकी सरकार बनने के बाद पिछले 98 दिन में 25 आतंकी हमले हुए हैं और जम्मू तक में हो रहे हैं। और अंत में वो बात करनी ही पड़ेगी जिसके हम सबसे बड़े पुरजोर समर्थक हैं, और वो है आजाद भारत में जो जम्मू कश्मीर के साथ किया गया। इससे पहले कभी भी
किसी भी स्टेट को डिसमेंबर करके यूनियन टेरिटरी नहीं बनाया गया है, छोटी छोटी यूनियन टेरिटरीज को स्टेट बनाने का काम हुआ है और यह अच्छी बात थी। क्या सोचकर, किस हिम्मत से, क्यों इन्होंने जम्मू कश्मीर से उनका स्टेटहुड छीना और एक यूनियन टेरिटरी बनाया? और अब आके कहते हैं हम स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे, अभी क्यों नहीं कर रहे? कांग्रेस का यह वादा है, हमारी सरकार बनेगी एंड कम व्हाट मे वी विल रिस्टोर द स्टेटहुड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिकॉज दिस इज समथिंग यू राइटफुली डिजर्व। ये आपका हक है, ये इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने, इस देश के आईन ने आपको दिया है। किसी की हिम्मत, किसी की यह हैसियत नहीं होनी चाहिए थी कि जम्मू कश्मीर को डिसमेंबर करके एक स्टेट से यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। मैं पहला प्रॉमिस हमारा वही है जो मैंने अभी आपको बोला, और वो है जम्मू कश्मीर को हम पूरी तरह से स्टेटहुड दिलाकर रहेंगे। हम महिलाओं के बारे में, जो हमारे राज्य हैं कर्नाटक और तेलंगाना, हिमाचल, हमने महिलाओं के सम्मान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए स्टेट बजट के अनुसार पैकेजेस दिए हैं। हम यहां पर परिवार की हर महिला मुखिया को 3,000 रुपए प्रति महीना देने का वादा कर रहे हैं। यह अनाउंसमेंट हमारे अध्यक्ष खरगे जी ने यहां पर किया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हम इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ अप टू 5 लाख रुपीज देंगे। हम अच्छी सेहत हमारा हक, यह हमारा नारा है। और हर परिवार को, जैसे राजस्थान में हमने चलाया और आज बीजेपी को वो कंटिन्यू करना पड़ रहा है, 25 लाख तक का हेल्थ बीमा देंगे। हम हर तहसील में एक एम्बुलेंस जो लेस रहेगी सारी सुविधाओं से, जिससे 30 मिनट के अंदर सस्ता और अफोर्डेबल इलाज मिल सके, वो देंगे। हर जिले में हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं। हम कश्मीरी पंडितों को उनका हक देंगे। और मनमोहन सिंह जी का जो पॉलिसी थी, जो उनका प्लान था, जो उनकी योजना थी, उसके इंप्लीमेंटेशन से देंगे। असलियत यह है कि कश्मीरी पंडितों को सिर्फ दुरुपयोग किया है बीजेपी ने, उनके हकों का हनन किया है। जब उन्होंने अपने हक के लिए प्रदर्शन किया तो उन पर लाठियां बरसाई गईं, उनको करंट लगे तारों से प्रताड़ित किया गया और उनको पॉलिटिकल पॉन बनाया गया। इसलिए हम कश्मीरी पंडितों को उनका हक डॉक्टर मनमोहन सिंह की योजना के तहत देंगे। हम संविधान के तहत पिछड़े वर्ग को उनका हक देंगे। 1 लाख जो खाली नौकरियां हैं, 65% जो खाली सरकारी पद का मैंने पहले बात करी थी, करीब करीब 1 लाख खाली नौकरियां एक जॉब्स कैलेंडर के तहत भरा जाएगा। और यह करना जरूरी है क्योंकि दिस विल हेल्प एडमिनिस्ट्रेशन, दिस विल हेल्प इन जॉब जेनरेशन। 1 जॉब क्रिएटेड इन द पब्लिक सेक्टर क्रिएट्स 8 जॉब्स इन द प्राइवेट स्पेस। और अंत में हम हर परिवार को 11 किलो फ्री का चावल देंगे। ये हमारे अनाउंसमेंट्स हैं जो हो चुके हैं। और भी कुछ अनाउंसमेंट हैं जो हमारी लीडरशिप जब जब यहां आती रहेगी करेगी, बट दिस इज द पिलर ऑफ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ये हक है जम्मू कश्मीर का, ये किसी को हम खैरात नहीं दे रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर का हक है। जम्मू कश्मीर का हक है कि आप पुनर्राज्य बने, जम्मू कश्मीर का हक है कि महिलाओं को सम्मान मिले, ये आपका हक है कि आपको अच्छी सेहत मिले, ये आपका हक है कि आपको रोजगार मिले, ये आपको आपका हक है कि आपके परिवारों को अन्न मिले, ये आपका हक है कि आपको अच्छी सेहत मिले। मेरा अपना मानना है कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने के लिए कोई भी पैतरा खाली नहीं छोड़ा है। मेरा अपना मानना है कि यहां पर चुनाव निष्पक्ष होना जरूरी है। यहां की जनता बदलाव चाहती है, यहां की जनता कांग्रेस और एनसी की अलायंस को चुनना चाहती है। मेरा अपना मानना है बीजेपी ऐसे पैतरे बहुत जगह करती है, इंडिपेंडेंट्स को खड़ा करना, अपनी बी टीम्स को खड़ा करना, उनको सशक्त बनाना, ये पैतरे जनता देखती है। मुझे आई हैव एब्सोल्यूट फेथ इन द इनेट विजडम ऑफ आवर पीपल। जो 400 पार की बात करते थे, उसको इस देश की जनता ने 240 पर लाकर खड़ा कर दिया और बैसाखियों का सहारा उनको लेना पड़ रहा है। आई हैव कंप्लीट फेथ इन द वोटर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कि यहां पर जरूर वो समझेंगे, देखेंगे कि कौन उनके हक की और कौन इस जम्मू कश्मीर के हक की बात कर रहा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।